फिलहाल 72-78 और ये नुकसान अभी भी खैर बना हुआ, लेकिन हाँ इंट्राडे लो से तो हम रिकवर करके आ चुके हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्नेहा शेठ इस बीच मेरे साथ हैं। स्नेहा, आपका व्यू क्या है निफ्टी को लेकर? नमस्कार। नमस्ते डीएमपी जी। नमस्ते। पिछले 2-3 दिनों में हमने काफी अच्छी सर्विंग दिखी है। हालांकि जो इंडेक्स फ्यूचर्स की आप एक्टिविटी देखेंगे तो उसमें कोई मेजर बिल्डअप या अनवाइंडिंग नहीं हो रहा अभी तक। साथ ही साथ आज आप ऑप्शंस की एक्टिविटी देखें तो 11,000 से लेकर 11,300 की पुट में राइटिंग हो रही है। तो जिस तरह की सेलिंग हुई है पॉसिबिलिटी है कि एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकती है हमें 11,300 के आसपास तक। ट्रेडर्स को सलाह देंगे कि वो जब पे लॉन्ग पोजिशन बनाए, करंट लेवल्स पे भी बना सकते हैं लॉन्ग, जिसका टारगेट आप 11,370 से 11,390 के रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अराउंड 11,235 के आसपास। ठीक है, ये तो होगी रणनीति। देखिए मार्केट तो बहुत चौपी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय स्ट्रेटजी देना इस समय का सबसे मुश्किल काम है, कि बाजार के रिदम को समझना और ये बता देना कि बाजार इस समय कहां पे किस लेवल को होल्ड करके चल जाएगा। कल भी जब 100 पॉइंट टूटे तब कुछ भी खराब नहीं था मैक्रो फ्रंट पे, जिसकी वजह से बाजार बार बार नीचे आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने 100 पॉइंट खाली की, इंस्टीट्यूशन की सेलिंग हुई। आज कुछ वैसा ना हो इसलिए हर लेवल की इंपॉर्टेंस है, तेजी के साथ रख रहे हैं तो 11,230 का पक्के वाला एक स्टॉप लॉस आप लगाइएगा और 11,395 का, वैसे तो प्रॉफिट आपके कंफर्ट का भी होता है लेकिन आप चाहें तो एक बार रख सकते हैं। 260-270 जो भाव अभी चल रहा है निफ्टी का, यहीं पे आप पोजीशंस को ले भी सकते हैं। शॉर्ट करना है तब भी आपको 11,300 का स्टॉप लॉस रखना है, जो आपको सुमित बगड़िया ने भी दिया, साथ ही राजेश सतपुते भी आपको दे रहे हैं। स्नेहा कह रही है कि एक बार बाय करना चाहें तो वो भी देखा जा सकता है। मार्केट की रीडिंग अलग अलग हो सकती है लेकिन लेवल्स की इंपॉर्टेंस वो सबकी एक बराबर ही है, सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को एनालिसिस करके आपके सामने वो सौदे उतारते हैं। स्नेहा आपके शेयर कौन से हैं? स्टॉक स्पेसिफिकली हमें एक्साइड इंडस्ट्रीज अच्छे लग रहे हैं। आप देखेंगे 300-305 लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली, शॉर्ट पोजीशंस भी काफी अच्छे बने हैं। स्टॉक को एक काफी अच्छा सपोर्ट है अराउंड 260-262 के आसपास, तो हमें लग रहा है यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। ट्रेडर्स इसमें लॉन्ग करके चले, जिसका टारगेट अराउंड 280-282 के आसपास रहेगा और स्टॉप लॉस 259 का मेंटेन करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस कॉल को जरा ज्यादा ध्यान से रखिएगा क्योंकि इसका जो पीयर है ना हमारा जो बैटरीज वो बकायदा हरे निशान में है, वो उसमें 1-1.5% तक की मजबूती है। ये टिपिकली शेयर एक दूसरे के पहले कॉम्पिटिटर होते थे, आजकल फॉलोअर हो गए हैं। अगर एक शेयर चलता है तो दूसरे के अंदर भी कहीं ना कहीं मूव आता है। एक्साइड के अंदर ध्यान रखा जाए 282 का टारगेट है, 259 का स्टॉप लॉस, अमर राजा बैटरीज के अंदर भी कहीं ना कहीं तेजी बनी हुई है। तो एक बार दिखाई दे अमर राजा बैटरीज करीब 1-1.5% की जो मजबूती है, और दर्शकों को आइडिया भी लगे कि यहां एक्साइड के अंदर भी मूव आ सकता है। इस कॉल को जरूर नोट करके चले जो एक्साइड पे स्नेहा आपको दे रही है, ये 13 रुपये की मजबूती ऑलमोस्ट हाई पे है, तो बैटरी वाले शेयरों से उम्मीद है कि एक्साइड थोड़ा ज्यादा चल सकता है। स्नेहा बहुत बहुत शुक्रिया।